हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी का माइंड कोचिंग सीखकर ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर। आज उसी कड़ी में मैथ्स के अगले टॉपिक उसी टॉपिक के अगले पार्ट के बारे में आज चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी का एक बार फिर से माइंड कोचिंग सीकर करें इंस्टीट्यूट में आप जो लाइव क्लास ले रहे हैं इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी प्रकार आप क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासें अपने यूट्यूब चैनल माइंड करियर इंस्टीट्यूट माइंड कोचिंग सीकर पर आपको मिलती रहेगी, चाहे वह पर्टिकुलर मैथ्स की टॉपिक से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रीजनिंग से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, सभी सब्जेक्ट आपके बीच यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग सीकर पर आपको मिलती रहेगी। तो अब अपन चर्चा करते हैं सर, कल एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे अपन लाभ और हानि के बारे में, और सर उस लाभ और हानि के आज सेकंड पार्ट के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो कल की क्लास में अपन ने सबसे पहले इसकी कोई केवल बेसिक थीम पढ़ी थी लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस की, कि अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और किस प्रकार से अपने को प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है, कौन सी कंडीशन पर अपने को लाभ होता है और कौन सी कंडीशन पर अपने को क्या होती है हानि होती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज अपन चर्चा करते हैं प्रश्नों के बारे में, कि अपने को प्रश्न किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं और प्रश्न अटेम्प्ट करने पर अपने को कैसे ऑप्शनल देख के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको कैसे इजी वे में अपने को प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न लिखता हूँ और उसके माध्यम से उनके बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्टों से अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज के क्लास में कुछ मैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेके चलता हूँ नॉर्मल, जो जरूरी नहीं है कि सर कुछ विद्यार्थी पढ़े हुए होते हैं कि सर ये हमें आता है, बिल्कुल आपको सब चीज़ आती है, बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अपन ने कहा था कि सर दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक मूल्य को वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं और दूसरे मूल्य को वस्तु का कौन सा मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है सर। इन दो प्रकार के मूल्यों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कल की क्लास में, एक तो सर वस्तु के क्रय मूल्य पर चर्चा कर रहे थे और सर एक वस्तु के कौन से मूल्य पर चर्चा कर रहे थे, विक्रय मूल्य पर चर्चा कर रहे थे। और वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य था सर जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है सर, खरीदा जाता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को सर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उस मूल्य को वस्तु का कौन सा मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। इसी के आधार पर लाभ और हानि देखनी है। यदि जब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, और सब जब वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा हो तब हमेशा आपको क्या होने वाली है सर, हानि होने वाली है। ये दो चीजें अपन ने पढ़ी थी और इनके बीच एक तीसरा पॉइंट भी पढ़ा था कि सर जब वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य यदि दोनों ही बराबर हो जाते हैं, कि वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में सर ना तो अपन ने पढ़ा था कि लाभ होता है और यहाँ पर सर ना ही क्या होती है, हानि होती है, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये चीजें अपन ने बेसिक थीम के आधार पर कल के वीडियो में पढ़ा था। आज अपन उससे आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में अटेम्प्ट करते हैं कि अपने को किस किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है और कैसे अपने से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं क्या, कि सीता 500 रुपए की वस्तु को, 500 रुपए की वस्तु को 460 रुपए में बेच देती है, 460 रुपए में बेच देती है, ठीक है, बेच देती है, तो लाभ व हानि ज्ञात कीजिए, लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। प्रश्न में ये कहा गया कि सर सीता 500 रुपए की वस्तु है उसको कितने रुपए में बेच देती है, सर 460 रुपए में बेच देती है, तो सर आपको सर उस पर होने वाला लाभ है, होने वाली हानि प्रतिशत मान ज्ञात करना है। ये जो भी मान ज्ञात करना है वो सर आपको किस में ज्ञात करना है, प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। और कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सर लाभ हो या हानि दोनों ही सर हमेशा वस्तु के विक्रय क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। दोनों ही वस्तु के कौन से मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं।
तो सर 500 रुपये में वस्तु को खरीदा गया, तो ये वस्तु का कौन सा मूल्य हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और सर उस वस्तु को 460 रुपये में बेचा गया, तो सर ये वस्तु का कौन सा मूल्य हो गया? सर विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया, विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया गया? सर बेचा गया। मैंने कहा सर वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर सबसे पहले यह देखना है कि इस दोनों मूल्य में सबसे अधिक मूल्य कौन सा है। तो सर 500 रुपये क्रय मूल्य, 460 रुपये विक्रय मूल्य, तो अधिक मूल्य कौन सा हुआ? 500 रुपये। अगर जब भी किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य ज्यादा होता है ना, तो सर हमेशा क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। मतलब सर आपको लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। अब होने वाला कितने का है ये भी देखिएगा। 500 रुपये की वस्तु को सर आपने 460 रुपये में बेच दिया, मतलब सर आपने उस वस्तु को 40 रुपये कम में बेचा। आपने उस वस्तु को 40 रुपये कम में बेचा, तो सर उस 40 रुपये की आपको क्या हो गई? हानि हो गई। लाभ हो या हानि, सर दोनों ही हमेशा वस्तु के कौन से मूल्य पर ज्ञात होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो बट्टे में सर हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए? 500 रुपए, और गुणा में कितना सर? 100। ठीक है सर, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और सर यदि 40 के अंदर में 5 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 8%। इसलिए हानि होगी, और वह हानि होगी कितने प्रतिशत की? सर 8% की हानि होगी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि सर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, यहां ऐसे बड़े सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है हर प्रकार के प्रश्नों के अंदर कि सर इन प्रश्नों में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसलिए वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड होता है क्या चीज सर? लाभ और हानि। इसके अगले पार्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं सर, और किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा सर, मैं यहां क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि लाभ और हानि में आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि सर 700 रुपए की वस्तु को, 700 रुपए की वस्तु को, ठीक है, 700 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा जाए, 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि सर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि सर 700 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, या फिर सर उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य देकर आपसे सर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। आपसे सर प्रश्न में वस्तु का विक्रय मूल्य देकर वस्तु का क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन दोनों बातों को याद रखने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि लाभ हो या हानि, कल से यही चर्चा कर रहे हैं कि लाभ हो या हानि, दोनों हमेशा सर वस्तु के कौन से मूल्य से ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य से। कैसे कैसे इनके मेथड होते हैं वो सारी समझिएगा। मैं पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्या कि आपको जब भी सर वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो उसको लिख दीजिएगा। लिख दिया 700 रुपए, ठीक है, ये 700 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। और जब यदि क्रय मूल्य हो जाता है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात करते समय होने वाले लाभ प्रतिशत व होने वाले हानि प्रतिशत दोनों को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है सर? ऊपर लिखा जाता है। कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी देखिएगा। मैंने कहा सर 20% के लाभ पर बेचा गया, कितने प्रतिशत के लाभ पर? 20%। तो आप सर इस 700 का 20% भी निकाल सकते हो, और 700 का 20% निकाला तो कितना हो गया सर? 140 रुपए हो गया। मतलब आपने सर उस वस्तु को 140 रुपए अधिक में बेचा। लाभ का मतलब क्या होता है? अधिक में बेचा। वस्तु थी कितने की? 700 की। आपने सर उस वस्तु को बेचा कितने में? 140 रुपए अधिक में। मतलब सर आपने उस वस्तु को 840 रुपए में बेच दिया। ये उस वस्तु का कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य हो गया।
ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप जो भी प्रतिशत मान दिया हुआ हो उसको एज इट इज रख दीजिएगा, जो भी मान आए उसको वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़ देना, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में वो संख्या मान क्रय मूल्य में से क्या कर देना, घटा देना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। यदि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, सर 700 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन सर अपन अलग से जोड़ना और घटाना की प्रक्रिया है वो पहले ही एक साथ अपन प्रश्न में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे कि सर यहां कहा गया 700 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि लाभ पर बेचा जाता है तो हमेशा 100 में जोड़कर लिखा जाता है, और यदि सर हानि में बेचा जाता है तो हमेशा 100 में से घटाकर लिखा जाता है। तो सर 20% लाभ का मतलब मैं यहां लिख दूंगा सर 120/100 लाभ था इसलिए मैंने 100 में जोड़कर लिख दिया, और सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और वही मान आ गया सर मेरे पास, कितना आ गया सर 840 रुपए, जो वस्तु का कौन सा मूल्य है सर, विक्रय मूल्य। तो आप इजी वे में इसको एक साथ लाभ और हानि को पहले प्रदर्शित करके भी इस प्रकार के प्रश्न को आप कर सकते हो, और देखिएगा कैसे कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हो। देखिएगा मैं तीसरे प्रकार के प्रश्न के बारे में या मेथड के बारे में यहां चर्चा करूं। सर 20%, कल अपन ने लास्ट में एक प्रतिशत के आंकड़े से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो मैंने आपको यहां बताया था कि सर 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है सर 1/5, और ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो भी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है वो क्रय मूल्य लिखना है, जो भी आपको वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है वो आपको लिखना है, और बट्टे के अंदर जो नीचे की संख्या लिखी हुई है वो ऐसी की ऐसे लिखनी है। क्रय मूल्य लिखना है और प्रतिशत आंकड़े को भिन्न संख्या में बदलने के बाद जो नीचे जो संख्या लिखी है वो संख्या लिखनी है, और सर उसके बाद देखिएगा यदि लाभ होता है तो दोनों को जोड़ देना इन दोनों को, और यदि माइनस होता है तो दोनों को क्या कर देना, घटा देना। तो सर दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 6 हुआ, और जैसे सर मैं भाग दूंगा कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार चला गया, ठीक है, यहां 2 तो ये हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 140, और 140 को जैसे ही मैं यहां गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना रुपए आएगा सर, 840 रुपए आएगा, जो वस्तु का कौन सा मूल्य कहलाएगा सर, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आप इस प्रतिशत आंकड़े के आधार भी प्रश्न को बहुत इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको जोड़ने और घटाने में कई बार समस्या भी हो जाती है, जब भिन्न संख्याओं के रूप में यदि कोई प्रतिशत आंकड़ा आ जाता है तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, और इसमें आप इस प्रतिशत के मान को यदि भिन्न संख्या में बदल लिया तो आप किसी भी प्रकार की वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन और लिखता हूं और उसके आधार पर देखिएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। जैसे देखिएगा मैं यहां लिखता हूं राम 900 रुपए की वस्तु को, 900 रुपए की वस्तु को 11/1/9% के लाभ पर बेचता है, के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए सर, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब सर यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा आपको जो भी प्रतिशत मान दे रखा है वो प्रतिशत मान इस बार आपको किस रूप में दे दिया, आंशिक भिन्न संख्याओं के रूप में दे दिया, और आंशिक भिन्न संख्या कौन सी संख्या होती है, वह संख्या होती है जो सर ए सही बी बट्टा सी के रूप में, या सर यहां लिख दूं डी बट्टा बी के रूप में, इस प्रकार की जो भी संख्या कहीं पर भी प्रदर्शित की जाती है वहां पर उन संख्याओं को आंशिक भिन्न संख्या कहते हैं। आप कई बार इनको लंगड़ी भिन्न संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों सम्मिलित होती है,
और उन संख्याओं के मिश्रण को ही क्या कहते हैं सर, आंशिक भिन्न संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में भी अपन बिल्कुल विस्तार से अलग से पढ़ेंगे टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से आप किसी भी जैसे सीटेट की एग्जाम देते हो, रीट की एग्जाम देते हो, तो वहां पर भी सर इस प्रकार के छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत अच्छे स्तर पर पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी भी साथ साथ में अपन चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि ये टॉपिक आपका एक सरलीकरण टॉपिक नाम सुना है, वहां पर इस प्रकार की बहुत सी संख्या मिलेगी आंशिक भिन्न संख्या, जिनको जोड़ना होगा, जिन संख्याओं की आपको तुलना करनी होगी, जिन संख्याओं को आपको गुणा करना होगा। तो आपको मैं जनरली एक बात और बता देता हूं, जब यहां तक बात पहुंच चुकी है तो कहा जाता है कि सर आंशिक भिन्नों की संख्याओं के मध्य हमेशा सर प्लस का चिन्ह होता है। आंशिक भिन्नों की संख्याओं के मध्य हमेशा कैसा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। मतलब ए सही बी बट्टा डी लिखी भी है उसको अपन ए प्लस डी बट्टा बी भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं 2 सही 3 बट्टा 4, तो सर इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 बट्टा 4। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि सर आंशिक भिन्नों की संख्याओं के मध्य हमेशा कैसा चिन्ह होता है, सर प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा सर इस प्रश्न के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि राम 900 रुपए की वस्तु को, राम है वो 900 रुपए की वस्तु को 11 सही 1 बट्टा 9 प्रतिशत, और 11 सही 1 बट्टा 9 प्रतिशत है सर, इस 11 सही 1 बट्टा 9 प्रतिशत का मतलब है सर 1 बट्टा 9। 11 सही 1 बट्टा 9 प्रतिशत का मतलब है सर 1 बट्टा 9। और इतनी बात आपको समझ में आ गई तो सर आपको क्या लिखना, वस्तु का क्रय मूल्य लिखना, बट्टे में जो संख्या लिखी हुई वो संख्या लिखनी है, और गुणा में देखिएगा लाभ है तो दोनों को क्या कर देना सर, जोड़ देना। दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। और 9 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 10 सर, भाग दिया कितनी बार चला गया 100, और सर 100 को 10 से गुणा किया तो कितना रुपए हो गया 1000 रुपए, जो सर उस वस्तु का कौन सा मूल्य होगा सर, विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है, विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको वस्तु का क्रय मूल्य देकर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जाए और वहां पर आपको लाभ और हानि प्रतिशत के आधार पर दिए हुए हों, तो बड़े इजी वे में आप प्रतिशत मान को भिन्न में बदलिएगा, और सर जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो नीचे वाली संख्या का भाग देकर, लाभ है तो दोनों को जोड़कर गुणा कर देना, और हानि है तो दोनों को क्या करके हटाकर घटाकर गुणा कर देना। मैं एक प्रश्न हानि का भी करता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं यहां चर्चा करता हूं। क्या मैं यहां कह देता हूं कि भास्कर, ठीक है भास्कर 640 रुपए की वस्तु को, 640 रुपए की, मैं यहां 640 की जगह कुछ आंकड़े लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 930 रुपए की वस्तु को, 930 रुपए की वस्तु को 33 सही 1 बट्टा 3 प्रतिशत की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये चीज आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सेम प्रश्न है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया, और आपको सर प्रतिशत के रूप में इस बार क्या दे रखी है, हानि दे रखी है। ठीक है, आपको सबसे पहले वही देखना है कि सर आपको प्रश्न में वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रतिशत आंकड़ा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 33 सही 1 बट्टा 3 प्रतिशत दिया हुआ है, और आप जानते हैं सर 33 सही 1 बट्टा 3 प्रतिशत का मतलब होता है सर कितना, 1 बट्टा 3, कितना होता है सर 1 बट्टा 3, और सर 1 बट्टा 3 जब आपको दे रखा हो तो सर मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य लिखना है, बट्टे में बट्टे की संख्या लिखनी है, और सर गुणा में इस बार क्या हो रही है सर, हानि हो रही है, और हानि होती है तो इन दोनों संख्या का अंतर लिखा जाता है, और अंतर कितना है सर 2। जैसे ही कैंसिल करूंगा
यहां कितनी बार चला जाएगा, 310 बार, और 310 को जैसे ही 2 से गुणा करूंगा कितना रुपए हो जाएगा, 620 रुपए होगा, जो सर उस वस्तु का कौन सा मूल्य कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न क्यों ना हो जिसमें सर आपको वस्तु का कौन सा मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ और हानि प्रतिशत दे रखे हो, तो बड़े इजी वे में आप सर उस प्रकार के प्रश्नों को भिन्न में बदलिए और सर बड़े आसानी से अपन बहुत कम समय में उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन बनता है वो इसका जस्ट अपोजिट बनता है। इसका जस्ट क्या बनता है? अपोजिट बनता है। अपोजिट बनने का मतलब यहां वस्तु का क्रय मूल्य देकर आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन कई प्रश्नों में क्या होगा सर, वस्तु का विक्रय मूल्य देकर आपसे सर वस्तु का क्या पूछ लेता है, क्रय मूल्य पूछ लेता है। तो करना क्या है, कर्म उल्टा कर देना है। क्या कर देना है सर? कर्म उल्टा कर देना है। और वो भी कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे मैं यहां एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या लिखता हूं कि रेशमा, ठीक है, रेशमा किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचती है, 1200 रुपए में बेचती है, तो उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कहा कि रेशमा है वो किसी भी वस्तु को कितने रुपए में बेच देती है सर, 1200 रुपए में बेच देती है, तो सर उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या फिर आपको प्रश्न में यह मिल सकता है कि रेशमा ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब सर इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो इसका थोड़ा सा क्या है, अपोजिट है। जो पहले का मेथड किया था उससे बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है, क्योंकि वहां पर वस्तु का क्रय मूल्य देकर आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था, और यहां वस्तु का विक्रय मूल्य देकर आपसे वस्तु का कौन सा मूल्य पूछ लिया गया, क्रय मूल्य पूछ लिया गया। तो देखिएगा, अब चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने कहा 20%, और 20% का मतलब होता है सर 1/5। कितना होता है सर? 1/5। और सर यहां पर देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए, बट्टे में इस बार क्या करना है, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो वही देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है सर? लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने पर जो भी मान आया उसका क्या देना, भाग देना, और गुणा में नीचे वाली संख्या ऐसी की ऐसी रखनी। उल्टा किया कि नहीं किया? अरे किया ना, पहले मैंने क्या किया, नीचे वाली संख्या का भाग दिया और दोनों को जोड़कर गुणा किया था। कब? जब विक्रय मूल्य पूछा था। और जब क्रय मूल्य पूछता है तो दोनों को जोड़कर तो भाग दिया, और नीचे वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बस यही कर्म याद रखना है। 6 का भाग दिया, कितनी बार गया, 200, और 200 गुणा 5 बराबर कितना हो गया सर, 1000 हो गया, जो वस्तु का कौन सा मूल्य हो गया सर, क्रय मूल्य हो गया। समझ में आई बात? तो आप इस प्रश्नों के आधार पर लाभ दिया हुआ हो या हानि दिया हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो जिसके अंदर आपको सर वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो भी कर सकते हो, और वस्तु के विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पूछा जाए तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। दोनों प्रतिशत आंकड़ों के आधार पर बहुत ही मतलब आसानी से आप उन प्रश्नों को भिन्न संख्या में बदलिएगा, और भिन्न संख्या में बदलने के बाद इस प्रश्न को बहुत ही चंद ही सेकेंडों में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो बिना प्रश्न में ज्यादा समय गवाए। ठीक है, अब अगले टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर अपने से और किस किस प्रकार से प्रश्नों के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कई बार आपको एग्जाम में जो वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो अनुपातों में भी नजर आ जाता है, और सर आपका अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, टॉपिक तो वैसे आपके सारे पढ़े में है,
लेकिन हर चीज में बिल्कुल बेसिकली आपको समझाता रहूंगा। तो अब अपन अनुपातों के आधार पर जब वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों से संबंधित आज के क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में इस बार क्या दे रखा है सर आपको, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और उसी अनुपातों के आधार पर आपको यह चेक करना है कि सर इस प्रश्न में सबसे पहले तो यह देखना है कि लाभ हुआ है या हानि। कई बार प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजिंग का हो जाता है, कई बार तो प्रश्न में केवल इतना ही पूछता है कि सर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अपन कंफर्म हो जाते हैं कि सर इस प्रश्न में लाभ होने वाला है। एग्जाम में लिखा हुआ होता है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अपन पहले से कंफर्म हो जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हानि होगी और वो हानि कितने प्रतिशत की होगी, बस वो ज्ञात करना होता है। लेकिन जब दोनों वर्ड एक साथ आ जाते हैं ना कि सर लाभ हुए हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब पहले अपने को चेक करना होगा कि इस प्रश्न में या इस वस्तु में या सौदे में सर लाभ हुआ कि हानि। ये चेक होने के बाद ही अपन डाटा चेक करेंगे। तो देखिएगा, मैंने यहां क्या किया, वस्तु का एक तो पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया सर वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया सर वस्तु का विक्रय मूल्य, इधर मैंने क्या लिख दिया सर वस्तु का विक्रय मूल्य, और इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझना, जब भी कोई संख्या अनुपात में लिखी भी हो तो समझ लेना जो शब्द पहले है, जो संख्या पहले है, उस शब्द की वही संख्या होगी। जिस अनुपात के स्थान पर संख्या या शब्द लिखे हुए होते हैं उसी के आधार पर उनके मानों को निश्चित किया जाता है। क्योंकि आपने अनुपात में एक शब्द पढ़ा होगा कि वास्तविक अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें किसी भी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए या एक दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अनुपातों के अंदर उभयनिष्ठ जो संख्या होती है वो संख्या क्या हो जाती है सर, कैंसिल हो जाती है। वो संख्या क्या हो जाती है, कैंसिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां चर्चा करूं सर 2:4, इसका मतलब तो 1:2 है, लेकिन सर ये वास्तविक संख्या तो नहीं है ना। तो वैसे ही ये वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको यहां जो अनुपात दे रखे होते हैं उसी अनुपातों के आधार पर अपने को प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। तो आपको वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और वो अनुपात कितना दे रखा है, 4:5, ठीक है। सर ये पहला अनुपात वस्तु के क्रय मूल्य का, तो पहली संख्या भी 4 है, तो यही इस प्रश्न के अंदर वस्तु का कौन सा मूल्य बन गया, क्रय मूल्य। ज्यादा चेक करने की जरूरी नहीं है आपको, प्रश्न में जब आप प्रश्न को पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आएगा। कैसे, तो पहली संख्या वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, दूसरी संख्या वस्तु का कौन सा हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आपने तो यहां सारी चीज समझनी है अपने को, लेकिन एग्जाम में करना है वो सारी चीजें देखनी है। वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए, वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपए, मतलब सर आपने वस्तु कितने में खरीदी, 4 रुपए में खरीद ली, और उस वस्तु को बेच कितने में दी, 5 में। जैसे मैं कहूं ये मार्कर मैंने 4 रुपए में खरीदा और आपको मैंने ये मार्कर 5 रुपए में बेच दिया, तो स्वाभाविक बात है सर मुझे क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। पहली चीज तो ये चेक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने कल भी वीडियो में कहा था, कल की क्लास में भी कहा था, क्योंकि एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों के अंदर जो ऑप्शन आने वाले हैं
दो ऑप्शन में डाटा सेम मिल सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन में डाटा के साथ लाभ मिलेगा और एक ऑप्शन में डाटा के साथ क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। इसलिए कंफ्यूजन मत हो जाना, अपन जल्दबाजी में पहले ऑप्शन में डाटा मिल जाता है और क्लिक कर देते हैं और अपना कई बार वहां क्या हो जाता है सर, गलत भी हो जाता है, क्योंकि वहां लाभ और हानि अपन देखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाभ हुआ, मुझे ये पता लग गया, अब मुझे सर वो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, लाभ हुआ कितने का, चार की वस्तु को पांच में बेचा गया तो एक का लाभ हुआ, चार रुपए की वस्तु को पांच रुपए में बेचा तो एक का लाभ हुआ। बट्टे में वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए, चार रुपए, और गुणा में कितना रुपए सर, सौ। गुणा में हमेशा सौ, क्योंकि किसी भी प्रति संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो सर उन्हें हमेशा सौ से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। चार का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया, और यहां से जो मान आया वो मान कितना हो गया सर, 25%। तो अपना जो फाइनली जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या हुआ सर, 25% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा सर, 25% का। जैसे सर मैं कुछ डाटा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा उनके आधार पर अपन इस प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां अनुपातिक क्रम बदल देता हूं, यहां मैंने लिख दिया 11:10 लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन वही है, केवल मैंने डाटा बदला। प्रश्न क्या बना इस बार कि सर वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, बाद में वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है ना, इनके क्रम का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, वरना भी जल्दबाजी में गलत कर बैठोगे क्वेश्चन को। वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपए, मतलब वस्तु को 11 में खरीदा, 10 में बेच दिया, 11 में खरीद कर 10 में बेचा, मतलब सर आपको क्या हुई सर, हानि हुई। क्या होगी, हानि होगी। हानि हुई कितने की सर, 11 रुपए की वस्तु को 10 में बेचोगे तो 1 रुपए की हानि होगी ना, और बट्टे में इस वस्तु का क्रय मूल्य 11, और किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं ना सर, तो हमेशा उन संख्या को 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 100, और बट्टे में कितना 11, और 100 के अंदर 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11 प्रतिशत की क्या हो जाएगी सर, हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास जब भी किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात से आधारित समझ में आ जाए, प्रश्न आ जाए कोई, तो यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो क्रय मूल्य। अब देखना कई बार इस प्रकार से इनका क्रम भी चेंज हो जाता है, कैसे क्रम चेंज होता है, और जल्दबाजी में अपन इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा गलत कर देते हैं। मैं यहां इन दोनों के क्रमों को बदल देता हूं। ठीक है, पहले क्रय मूल्य था, इस बार मैं यहां पर लिख देता हूं विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहां लिख देता हूं सर मैं क्रय मूल्य। ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं सर 7:9 लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं, 7:9 लिख देता हूं। अब इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इस बार मैंने क्रम चेंज कर दिया है। कई बार अपन जल्दबाजी में कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो थोड़ा सा अपन प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी मतलब अपन जल्दबाजी कर लेते हैं तो प्रश्न गलत समझ लेते हैं, और गलत प्रश्न को समझेंगे तो सर फाइनली अपने जो आंसर आने वाले हैं वो तो ऑलरेडी फिर गलत ही आने वाले हैं। अक्सर होता है अपन एग्जाम देने बैठते हैं तो अपने को ऐसे लगता है कि एग्जाम में यदि अपने पास 100 क्वेश्चन आए हैं ना तो वो 100 के 100 क्वेश्चन अपने सही हैं, लेकिन एग्जाम देकर जैसे बाहर निकलते हैं ना फिर एक बार पेपर को वापस चेकआउट करते हैं अपन, और चेकआउट करते समय अपने 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, वो भी 4-5 क्वेश्चन माइनर मिस्टेक करने से गलत हो जाते हैं, फिर बाहर आके और देखते हैं, कई ऑप्शनों को चेक करते हैं वापस, तब अपने को लगता है कि ये 4-5 क्वेश्चन और चले गए। और आपको पता है 4-5 प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, किसी एग्जाम में यदि एक प्रश्न भी रह जाता है ना तो अपन एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो हर चीज आपको बड़ी डिटेल से समझनी होगी, डिटेल से पढ़नी होगी, वरना सर सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम होता है। तो आप जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसके लिए बड़ी जीजान लगाकर आपको मेहनत करनी होगी, एक एक चीज आपको पढ़नी होगी, और बड़ी सरल मेथड से आपको हर चीज को बड़ी कठिन परिश्रम के साथ आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो देखिएगा कि इस बार वस्तु का सबसे पहले विक्रय मूल्य, फिर क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इस बार बाद में, तो ये बाद वाला ही वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। वो क्रम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्रम पर निर्भर करता है। और ये वस्तु का कौन सा मूल्य हो गया सर, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मतलब आपने वस्तु को खरीदा कितने में, कितने में, 9 में खरीद लिया ना, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए है सर, 9 रुपए।
बेचा कितने में सर? 7 रुपए में। समझ गए क्या हुआ? हानि होगी, लॉस हो गया। अरे 9 रुपए की वस्तु को यदि सर अपन 7 रुपए में बेच देंगे तो स्वाभाविक बात है सर अपने को क्या होगी? हानि होगी। और वो हानि होगी कितने की? सर 9 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचेंगे तो 2 रुपए की मुझे हानि हो जाएगी। और बट्टे में सर वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 9, और गुणा में कितना सर? 200, और 100 को 2 से गुणा किया तो सर 200/9 कितना आया? 200/9। और 200/9 का मतलब कितना होता है सर? 22.2% की मुझे क्या हो जाएगी सर? हानि हो जाएगी। तो ये जो भी मान है वो प्रतिशत आंकड़ों के आधार पर है। तो इस प्रकार से अनुपातों से संबंधित आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप बड़े जल्दी इस प्रश्न को समझकर, इनके क्रमों को ध्यान रखकर कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्न को गलत नहीं करोगे। ठीक है ना, अपन अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट पर आधारित और अपने से प्रश्न होते हैं वो किस किस प्रकार से अपने से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, कई बार प्रश्न का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज क्या? वो मेथड ही चेंज हो जाता है। मेथड इसी पर आधारित होता है, लेकिन अपन उस प्रश्न को समझने में भी गलती कर देते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, अपन आगे भी करेंगे, जो होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित, लेकिन उनको जल्दी कर बैठते हैं परसेंटेज। परसेंटेज और लाभ और हानि दोनों में फर्क है। कुछ बहुत सी चीजें समानता है, लेकिन कुछ चीजों में फर्क होने के कारण अपन उस प्रश्नों को या उन कॉन्सेप्टों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप हर चीज समझिएगा। तो जैसे प्रश्नों के बारे में मैं आपसे कहूं कि पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा सर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कितनी वस्तुओं का? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सर अपन पढ़ते हैं कि सर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य हो गया, ये समझना गलत है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की चीज समझाता हूं, उसके बाद में इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इनको सबसे पहले अपने को अनुपात में परिवर्तित करना होता है, और समझना कैसे वो चीज भी देखिएगा। मैं आपसे एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मैंने यहां लिखा सर 2a = 3b। मैंने 2 संख्या लिखी है कि 2a = 3b। सर जब भी कोई 2 अलग-अलग संख्या एक साथ लिखी हुई होती है तो सर वो हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है। कई बार मल्टीप्लाई प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में वह संख्या मल्टीप्लाई में होती है। तो 2a = 3b। और आपको ये चीज भी पता है कि सर प्लस की कोई भी संख्या इक्वल की दूसरी ओर जाती है ना तो वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की कोई भी संख्या इक्वल की दूसरी ओर जाती है तो प्लस की हो जाती है, और मल्टीप्लाई की कोई भी संख्या इक्वल की दूसरी ओर जाती है तो डिवाइड में चली जाती है, और डिवाइड की कोई भी संख्या इक्वल की दूसरी ओर जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। क्यों? तो देखिएगा, ये जो 2 है वो इक्वल की दूसरी ओर जाएगा, तो क्या मैं सर इसको लिख सकता हूं a = 3 × b / 2? लिखा जा सकता सर। ये b है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में होने के कारण इक्वल के दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a / b = मेरे पास क्या बनेगा सर? 3/2। मतलब फाइनली मेरे पास जो मैंने लिखा 2 × a = 3 × b, इसको मैं लिख सकता हूं a / b = 3/2। और आपने सर अनुपात में तो जरूर पढ़ा होगा कि सर ये बट्टे की संख्या होती है, इन्हीं को अनुपात में लिखा जाता है, मतलब a/b, और a/b का मतलब कितना हुआ? 3/2।
इतनी बात समझ में आई? मतलब अपन ने ए अनुपात बी निकाल लिया और ए अनुपात बी कितना निकला सर अपने पास 3:2 निकला। और सर अनुपात की चर्चा तो अभी करके निकले हैं कि पहले ए लिखा हुआ तो ए का मान कितना हुआ 3, बी लिखा हुआ तो बी का मान कितना 2। तो एक बात जरूर नजर आई होगी आपको, मैंने कहा ए का मान 3 तो ए का मान वही होगा जो बी के गुणा में लिखा हुआ है, और बी का मान 2 और बी का मान वही होगा जो ए के गुणा में लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं, एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं। कब होते हैं? जब संख्या और ये अल्फाबेट मल्टीप्लाई में होते हैं और बीच में सर इक्वल का साइन होता है, ऐसी कंडीशन में ये संख्याएं क्या हो जाती है, पलट जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब एक ही है कि इस प्रकार के प्रश्न में वस्तु के क्रय मूल्य के गुणा में लिखी गई संख्या तो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, और वस्तु के विक्रय मूल्य के गुणा में लिखी गई संख्या वस्तु का कौन सा मूल्य होता है सर, क्रय मूल्य होता है। बस यही बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब प्रश्न को हल करना कोई ज्यादा जटिल काम नहीं है, देखिएगा कितना इजी बन गया प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न इतना इजी बन गया कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने कहा जिस मूल्य के साथ में संख्या लिखी भी है ना वो दूसरा मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य के साथ में 5 लिखा हुआ है तो सर ये विक्रय मूल्य बन गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 हो गया। विक्रय मूल्य के साथ में लिखी गई जो संख्या है वो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य कितना रुपए हो गया 8 रुपए हो गया। प्रश्न बन गया, बहुत इजी प्रश्न बना। क्या सर 8 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया, क्या हुआ सर, हानि हुई। क्या हुई? हानि। तो मुझे हानि प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, और हानि प्रतिशत, हानि कितने की हुई 3 की, बट्टे में वस्तु का क्रय मूल्य 8 और गुणा में कितना सर 100, ठीक है। 4 का भाग जाता है, यहां 2 बार चला गया, 4 का भाग कितनी बार चला गया 25 बार चला गया सर, 25 × 3 बराबर कितना हो गया 75 हो गया, और 75 में किसका भाग देना सर 2 का, तो कितनी बार चला जाएगा सर 37.5% की क्या हो जाएगी सर, हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी सर, 37.5% की हानि हो जाएगी। बहुत इजी में क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार का आप लैंग्वेज से संबंधित लेकर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप सारे प्रश्न बहुत इजी वे में कर सकते हो। मैं एक छोटा सा प्रश्न और करता हूं जिसमें आपको डाटा चेंज करके देता हूं, और देखते हैं सर इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से करना होता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा मैं यहाँ कुछ ये डाटा चेंज कर देता हूँ, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो सर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत को चेक करना है सर। क्रय मूल्य के गुणा में लिखी गई संख्या वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ 11 रुपए हो गया, और सर वस्तु के विक्रय मूल्य के गुणा में लिखी गई संख्या वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए हो गया सर 9 रुपए हो गया। मतलब 9 रुपए की वस्तु को आपने 11 रुपए में बेच दिया, वस्तु थी कितने की 9 रुपए की, उसको बेचा कितने में 11 रुपए में, मतलब लाभ हुआ, ये लो सर लाभ हुआ मुझे। तो सर मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ हुआ कितने का हुआ 2 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ लाभ? हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य कितना है अपने पास 9 रुपए, और गुणा में कितना सर 100। जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं सर 200/9, और 200 में यदि मैं 9 का भाग दूंगा तो वही आएगा कितना सर 22, ही 2/9% की क्या हो जाएगा सर मुझे लाभ हो जाएगा। समझ में आए क्या बात? तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अनुपातों से संबंधित प्रश्न आ जाए, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए या बेसिक कोई प्रश्न आ जाए, आप उन सभी प्रकार के प्रश्नों को बड़े इजी वे के आधार पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे। एक बार आपका फिर से माइंड कोचिंग सीकर की ओर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माइंड, जय भारत।